आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो हमारे पास है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनकी हमें आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो बोर्ड के पेपर में सवाल कैसे आता है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के हमें आईयूपीएसी नेम लिखने होते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को छोटा बनाऊं और आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूं ताकि आप अच्छे तरीके से सवाल को अटेम्प्ट कर सकें। ये बोर्ड में आने वाला लाजमी सवाल है, बोर्ड के पेपर में ये लाजमी सवाल आता है फॉर सेकेंड ईयर। और होता ये है कि बहुत सारे बच्चों को ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की आईयूपीएसी नेमिंग लिखने में बहुत मसला आता है और वो इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं करते। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाएंगे और कितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले, जब भी आप किसी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं तो उस नेमिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं। याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे उसके अलग रूल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग करोगे उसके अलग रूल है। तो यहाँ हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है आईयूपीएसी नेमिंग इनऑर्गेनिक। मतलब यहाँ हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे हैं, यानी आईयूपीएसी नेमिंग लिखने जा रहे हैं किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। अब आपको रूल्स समझने कि जब भी आप किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करोगे तो उसके रूल्स क्या होंगे, फिर आगे चल के मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता क्या है और दीगर दूसरी टर्म्स क्या होती हैं। तो पहला रूल क्या होता है कि कैटाइन्स आर नेम फर्स्ट। जब भी हम किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं तो उसमें कैटाइन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, कैटाइन शुड बी नेम फर्स्ट। दूसरा रूल क्या होता है कि नेगेटिव लिगांड्स जितने भी नेगेटिव लिगांड्स होते हैं उन लिगांड्स का नेम सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद न्यूट्रल लिगांड्स का नेम लिखा जाता है। मैं आपको ये समझाऊंगा कि लिगांड्स होते क्या हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव लिगांड्स क्या होते हैं। नेगेटिव लिगांड्स का नाम पहले लिखेंगे, पॉजिटिव न्यूट्रल लिगांड्स का नाम बाद में लिखेंगे। और लिगांड्स कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, या तो लिगांड्स नेगेटिव होंगे या न्यूट्रल होंगे। तो पहला रूल क्या, कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा। जब भी हम किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे, कैटायन का नाम पहले, नेगेटिव लिगांड का नाम उसके बाद, देन अगर कोई न्यूट्रल लिगांड होगा तो उसका नाम। तो पहले कैटायन का नाम आता है, कैटायन के बाद लिगांड्स का नाम आता है, और लिगांड्स में भी न्यूट्रल लिगांड्स में भी नेगेटिव लिगांड्स पहले आएंगे और न्यूट्रल लिगांड का नाम बाद में आएगा। थर्ड रूल ये कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, CS का मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अगर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो, अगर मैं देखें आपको ये बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे किस सूरत पे नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो हम मेटल के साथ एड इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कोबोल्ट था तो कोबोल्ट के साथ कोबोल्टेट, elsewise we use metal ion। अगर coordination sphere पे negative charge होगा तो हम aid इस्तेमाल करेंगे, अगर coordination sphere पे positive charge हो जाए या neutral charge हो जाए तो simple हम metal ion लिख देंगे, like cobalt ion, chromium ion, metal का नाम लिखेंगे और ion लिख देंगे। coordination sphere ये कहलाता है, ये आपका coordination sphere है, square brackets। देखिए coordination sphere पे क्या charge है, minus। तो जब भी coordination sphere पे नेगेटिव चार्ज होगा तो हम मेटल के लास्ट में एट लगा देंगे, कोबोल्टेट, ठीक है, फेरेट। लेकिन अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो या कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, न्यूट्रल का मतलब है जीरो चार्ज होगा, कोई चार्ज मौजूद ही नहीं होगा, तो उस केस में हम सिंपल क्रोमियम आयन या कोबोल्ट आयन लिख देंगे। लास्ट फोर्थ रूल क्या है कि जो एनायंस हैं उनका नाम सबसे लास्ट में लिखा जाएगा किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में। अब जैसे आपका ये एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, ये भी मेटल कॉम्प्लेक्स है, ये भी, पांच मेटल कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं यहाँ पर, तो किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में एनायन का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है और कैटायन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ये हो गया फोर्थ रूल। नंबर फिफ्थ रूल ये है कि आपके पास अगर किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कोई ऑर्गेनिक लिगांड मौजूद हो, लिगांड्स आपसे देखो लिगांड्स दो तरह के हो सकते हैं,
या तो आपका इनऑर्गेनिक लिगांड होगा या ऑर्गेनिक लिगांड होगा, ठीक है। अब आपका जो इनऑर्गेनिक लिगांड है इसको आप फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, नेगेटिव लिगांड और न्यूट्रल लिगांड। लेकिन लिगांड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिर इनऑर्गेनिक में आप नेगेटिव और न्यूट्रल लिगांड्स में और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। तो अगर आपके पास किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनिक लिगांड मौजूद है तो उस केस में अगर दो ऑर्गेनिक लिगांड्स हैं तो उसके लिए आप बेस इस्तेमाल करते हो, तीन ऑर्गेनिक लिगांड्स हैं तो ट्रिस इस्तेमाल करोगे, और चार ऑर्गेनिक लिगांड्स होंगे तो टेट्राकेस इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे अगर आपके पास अगर कोई इनऑर्गेनिक लिगांड्स होगा, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई ऑर्गेनिक लिगांड होगा तो दो ऑर्गेनिक लिगांड्स के लिए आप बेस ट्रेस टेट्राकेस इस तरीके से इस्तेमाल करते हो, दो तीन चार के लिए। लेकिन अगर आपको कोई इनऑर्गेनिक लिगांड होगा तो उसके लिए आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इस तरीके से हेप्टा ऑक्टा इस्तेमाल करोगे। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिगांड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको क्लासिफाई भी कर देता हूँ, कौन से ऑर्गेनिक लिगांड्स हैं कौन से इनऑर्गेनिक लिगांड्स हैं, और कुछ लिगांड्स मैं लिख भी दूंगा यहाँ पर, उनके नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये भी बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या लिगांड्स होते हैं। इन लिगांड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक लिगांड्स, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक लिगांड्स। फिर इनऑर्गेनिक लिगांड्स को हम फर्दर दो और कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, नेगेटिव लिगांड्स और न्यूट्रल लिगांड, ठीक है, एज़ पर योर कोर्स जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। अब ऑर्गेनिक लिगांड्स में बहुत सारे और भी लिगांड्स होते हैं, एक होता है EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं। तो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट भी है और ये भी है, लेकिन अमूमन जो हम अपने कोर्स में ऑर्गेनिक लिगांड का इस्तेमाल करेंगे वो है EN, EN कहलाता है इथाइलिन डायमाइन। हम अमूमन अपने कोर्स में सिर्फ इसी ऑर्गेनिक लिगांड का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिक लिगांड्स होते हैं जैसे कि EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट और भी दीगर बहुत सारे, तो हम इस ऑर्गेनिक लिगांड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक लिगांड्स हैं उनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, नेगेटिव लिगांड और न्यूट्रल लिगांड। अब जो नेगेटिव लिगांड है उसमें ये सारे लिगांड्स आते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपके पास ऑर्गेनिक लिगांड लिखा हुआ होगा तो ऑर्गेनिक लिगांड के साथ EN लिखा हुआ होगा, EN का मतलब है इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, तो EN की जगह आप इथाइलिन डायमाइन लिखोगे। लेकिन अगर आपका इनऑर्गेनिक लिगांड है तो अगर इनऑर्गेनिक लिगांड में कोई नेगेटिव लिगांड आ जाता है जैसे कि CN माइनस C, जैसे कि माइनस नहीं लिखा हुआ होगा CN लिखा हुआ होगा, अब CN लिखा हुआ है CN का मतलब है इस पर माइनस वन चार्ज है, CO3 लिखा हुआ है इस पर माइनस टू चार्ज है, NO2 लिखा हुआ है इसमें माइनस चार्ज है, Cl लिखा हुआ है इसमें माइनस, माइनस का मतलब है माइनस वन। इसी तरीके से कोई भी हैलोजन लिखा हुआ होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन पे माइनस चार्ज होगा, SCN लिखा हुआ है इस पर भी माइनस वन चार्ज है। तो जितने भी ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव लिगांड्स हैं, और इनके चार्जेस भी याद रखिएगा, CN होता है माइनस वन, कार्बोनेट माइनस टू, इसी तरीके से NO2। तो जितने भी नेगेटिव लिगांड्स हैं उन नेगेटिव लिगांड्स के लास्ट में आप O लगाते हो, जैसे अगर ये आपका CN है, CN होता है साइनाइड, तो आप इसके लिए लगाओगे साइनो, CYANO साइनो। इसके अलावा CO3 है, ये कार्बोनेट होता है, तो इसके लिए होगा कार्बोनेटो। NO2 है तो NO2 के लिए होगा नाइट्रो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। CN-1 का मतलब है SCN जो है वो हमारा एक तरह का नेगेटिव लिगांड है क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है, कितना माइनस, माइनस का वन। और ये है आपका थायोसाइनो, SCN को आप कहते हो थायोसाइनो, इसके लिए आप थायोसाइनो इस्तेमाल करते हो। थायो इज ड्यू टू सल्फर एंड साइनो इज ड्यू टू CN एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट इज कॉल्ड O साइनो। इसके अलावा एक और लिगांड होता है वो आपका ये वाला लिगांड होता है NO3-1, NO3- को कहते हैं नाइट्राइटो, ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट के लिए नाइट्राइटो, ठीक है, इसके लिए हम नाइट्राइटो इस्तेमाल करेंगे, ओ लगाएंगे लास्ट में, तो इसका नाम हम कहते हैं नाइट्राइटो। इसके अलावा जो न्यूट्रल लिगांड है, हमारे पास तीन तरह के न्यूट्रल लिगांड होते हैं, पहला है CO, CO हमारा न्यूट्रल लिगांड क्यों है, क्योंकि इन तीनों लिगांड्स पे कोई चार्ज नहीं है, ना ही CO पे, NH3 पे और H2O पे, इन तीनों लिगांड्स पे कोई चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूट्रल लिगांड्स। CO जो होता है उसकी जगह हम लिख देते हैं कार्बोनाइल, तो इस वाले लिगांड की जगह हम कार्बोनाइल, मतलब इस वाले लिगांड को हम कार्बोनाइल का नाम देते हैं। NH3 जो हमारा लिगांड है इसकी जगह हम लिखते हैं अमाइन, क्या,
अमाइन। और H2O जो हमारा लिगांड है इसकी जगह हम कहते हैं एक्वो, क्या एक्वो, मैं लिख देता हूँ AQUO, एक्वो। तो ये तीन हमारे न्यूट्रल लिगांड्स हैं, इन तीनों के नाम होते हैं। CO का नाम होता है आपका कार्बोनाइल, NH3 की जगह हम अमाइन लिखते हैं, और H2O यानी वाटर की जगह हम एक्वो लिखते हैं। अब आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि हमने इनको लिगांड्स क्यों कहा है। लिगांड्स दरअसल आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, लिगांड्स आपके एक तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स नेगेटिव लिगांड भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको देखें, मैं इतनी डेप्थ में आपको लेकर नहीं जा रहा, सिंपल सा बता रहा हूँ लिगांड्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर हम इसको कवर करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो फिलहाल हमको नेमिंग भी करनी है। तो सिंपल आप याद रखो, ये हमारे तीन न्यूट्रल लिगांड्स हैं और ये सारे हमारे नेगेटिव लिगांड्स हैं, और नेगेटिव लिगांड्स के लास्ट में ओ लगाया जाता है। जैसे ये हो जाएगा नाइट्राइटो, ये नाइट्रो है, फिर साइनो, ठीक है, और ये होगा थायोसाइनो, SCN-, सही है। और ये तीन न्यूट्रल लिगांड्स हैं, कार्बोनाइल, अमाइन और वाटर। वाटर के लिए हम एक्वो इस्तेमाल करते हैं और अमोनिया के लिए हम अमाइन इस्तेमाल करते हैं, CO के लिए हम कार्बोनाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब लिगांड्स होते क्या हैं? लिगांड्स दरअसल एक तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल एटम। जो हमारा सेंट्रल एटम होगा ये उसको इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करेंगे, ठीक है। अब हम नेमिंग की तरफ आते हैं। अब नेमिंग की तरफ आते हुए ही मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है और लिगांड्स को थोड़ा और वाजे करूंगा। अब देखो, जो हमारा ये पहला वाला कॉम्प्लेक्स है, ये जो हमारा पहला वाला ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, इस पहले वाले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं बना हुआ। ये जो आपको ब्रैकेट दिखता है, ये ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना हुआ नहीं है, उसका मतलब इस तरीके से मौजूद होगा, आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस तरीके से मौजूद होगा, बना हुआ नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखो आप बना भी सकते हो। क्यों? रीज़न बताता हूँ। जब आप यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाओगे तो इससे वाजे हो जाएगा कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, याद रखो, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो स्फीयर होता है जिस स्फीयर के अंदर ट्रांजिशन मेटल होगा और ट्रांजिशन मेटल के साथ कोई लिगांड मौजूद होगा। तो अब देखो, यहाँ पर ये हमारा स्फीयर है, ये जो हमारा स्फीयर है इस स्फीयर के अंदर ट्रांजिशन मेटल क्रोमियम भी है और लिगांड भी है। यहाँ दो तरह के लिगांड्स हैं। यहाँ स्फीयर देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल प्लैटिनम भी है और क्लोरीन लिगांड भी है, यानी एक तरह का लिगांड है। यहाँ पर देखो, इसको छोड़ दो आप, जो ब्रैकेट होता है, जो आपका ब्रैकेट होता है, बॉक्स होता है, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। सो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपका ट्रांजिशन मेटल भी है और एक तरह का ऑर्गेनिक लिगांड भी है। सिमिलरली यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्रोमियम मेटल भी है, क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल भी है और दो तरह के लिगांड्स मौजूद है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है वो एक ऐसा स्फीयर होता है जिसके अंदर लिगांड्स के साथ साथ ट्रांजिशन मेटल मौजूद हो, और लिगांड्स हमेशा सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दैट्स व्हाई लिगांड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। इनको हम लेविस बेसिस भी कहते हैं, बिकॉज दे डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिगांड्स जो हैं वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल यानी कि ट्रांजिशन मेटल को डोनेट करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लाया करेगा। अब इसका नाम लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाया, तो अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? कुछ भी नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कुछ भी चार्ज नहीं होगा तो मतलब न्यूट्रल है। और मैंने पीछे एक रूल लिखवाया था, अगर आप चेक कर सकते हो, कि मैंने कहा था जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो या कोई भी चार्ज ना हो, तो उस केस में सिंपल हम मेटल का नाम लिखते हैं और आयन लगा देते हैं, ठीक है। सिंपल हम मेटल का नाम लिखेंगे और आयन लगा देंगे। आप शुरू से रूल पढ़ो, जो मैंने आपको पहले से रूल बताए थे, वो पहले रूल मैंने क्या बताए थे? पहला रूल क्या है कि कैटायन का नाम पहले आएगा, और कैटायन अगर मौजूद होगा, अगर किसी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कैटायन मौजूद होगा तो कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, एल्स वाइज कैटायन का नाम नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा रूल क्या था कि हमारे पास अगर नेगेटिव लिगांड होगा तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा, फिर न्यूट्रल लिगांड का नाम लिखेंगे। और मैंने आपको बताया कि लिगांड्स और मेटल जो होते हैं वो हमेशा स्फीयर के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर इस स्फीयर के अंदर जो हमारा देखो याद रखो, ये जो स्फीयर है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कैटायन हो सकता है,
कैटाइन होगा तो वो राइट हैंड साइड, कैटाइन होगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और अगर एनाइन होगा तो वो राइट हैंड साइड पे होगा। ये भी टेक्निक बता देता हूँ। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारे लिगांड्स होंगे और ट्रांजिशन मेटल होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कैटाइन हो सकता है और स्फीयर के राइट हैंड साइड पे एनाइन हो सकता है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ ना ही कैटाइन से, कैटाइन का नाम पहले आएगा। कैटाइन के नेम के बाद आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगांड होगा उसका नाम लिखेंगे, फिर ट्रांजिशन मेटल का नाम लिखेंगे, और सबसे लास्ट में किसका नाम लिखेंगे, एनाइन का। तो अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें, फर्स्ट वाले, इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखें सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर मौजूद है, यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी नहीं था। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है जिस स्फीयर के अंदर ट्रांजिशन मेटल होगा और उसके साथ साथ लिगांड्स मौजूद होंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज है, माइनस, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही हमारे लिगांड्स होते हैं और ट्रांजिशन मेटल होता है। अब यहाँ देखें इस वाले में, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पास दो टाइप्स के लिगांड्स हैं, एक तो NH3, एक SCN। SCN हमारा नेगेटिव लिगांड है और NH3 हमारा न्यूट्रल लिगांड है, और दोनों इनऑर्गेनिक लिगांड्स में आते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके अंदर दो टाइप्स के लिगांड है प्लस ट्रांजिशन मेटल है। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा, हमारे लिगांड्स और ट्रांजिशन मेटल मौजूद होता है, और ये जो लिगांड्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड, ये हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स था। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स उस वक्त बनता है जब ट्रांजिशन मेटल के इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स मौजूद हों जो उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो ये लिखा हुआ है NiCO4, NiCO4 लिखा हुआ है। ये हमारा एक तरह का ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है। इसमें ट्रांजिशन मेटल निकल है और जो CO है कार्बोनाइल, CO यानी कार्बोनाइल, ये हमारे लिगांड्स हैं, यानी ये, अब देखो यहाँ पर CO हमारा लिगांड है, कौन सा वाला, न्यूट्रल लिगांड। कितने लिगांड्स हैं, चार, तो यहाँ चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं, और ये चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे किसको, ट्रांजिशन मेटल को। तो अगर आप इसको बनाना चाहो आसान जबान में, तो ऐसे बन जाएगा, निकल के इर्द गिर्द चार CO ग्रुप लगे हुए होंगे, निकल के इर्द गिर्द चार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स अटैच हुए हुए होंगे, ठीक है। तो ये तरीकाकार है आपके पास, ये मैंने आपको बता दिया। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, अब देखो यहाँ पर कुछ ना इस तरीके से गिवन था, ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से गिवन था, मैंने इसके इर्द गिर्द स्फीयर लगा दिया। स्फीयर क्यों लगाया, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल और लिगांड हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे क्या चार्ज है, जीरो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन हैव जीरो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन हैव नेगेटिव चार्ज, एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैन हैव पॉजिटिव चार्ज, जो हमने रूल पढ़े थे। हमने पढ़ा था अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा तो हम ट्रांजिशन मेटल के साथ एट लगा देंगे, फेरेट, कोबोल्टेट, इस तरीके से। लेकिन अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उस पर न्यूट्रल चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस केस में हम सिर्फ मेटल का नाम लिखेंगे, जैसे क्रोमियम और लाथम आयन लगा देंगे, क्रोमियम आयन। तो अब इसका नाम लिखते हैं। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज है, जीरो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जीरो चार्ज है, यानी न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो। अब इसमें देखो, सबसे पहला रूल क्या था कि कैटाइन का नाम पहला आएगा, और कैटाइन हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले होता है। जैसे अगर अब यहाँ देखोगे तो ये रहा कैटाइन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कैटाइन होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में एनाइन होता है। तो ये हमारा एनाइन है, ये हमारा एनाइन है। इस वाले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कोई कैटाइन कोई एनाइन नहीं है, इस वाले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ये एनाइन है, इस वाले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ये एनाइन है और ये स्फीयर है, इस वाले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में कोई एनाइन नहीं है, कोई कैटाइन नहीं है, लेकिन इस वाले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इससे पहले ये कैटाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखा जाएगा, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में कैटाइन है नहीं, तो कैटाइन चला गया। कैटाइन का नाम लिखने के बाद दूसरा रूल क्या था कि हम लिखेंगे लिगांड्स का नाम, और लिगांड्स हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या था, लिगांड्स का नाम लिखना। लिगांड्स में नेगेटिव लिगांड का नाम पहले लिखोगे और फिर आप न्यूट्रल लिगांड का नाम लिखोगे। तो अब हम, कैटाइन तो है नहीं, तो कैटाइन के बाद हम लिखते हैं, IUPAC नेमिंग में पहला रूल होता है कैटाइन का नाम, तो कैटाइन तो है नहीं,
तो दूसरा स्टेप क्या है कि हम लिखेंगे लिगांड का नाम, और लिगांड का भी नेगेटिव लिगांड का नाम पहले आएगा, न्यूट्रल का बाद में आएगा। सो इसमें अगर स्फीयर में हम देखें तो इस स्फीयर में नेगेटिव लिगांड तो है नहीं, न्यूट्रल लिगांड है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव पे चला गया। अब न्यूट्रल लिगांड का नाम लिखेंगे तो न्यूट्रल लिगांड कौन सा है, सी ओ। सी ओ क्या कहलाता है, कार्बोनाइल। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जितने भी इनऑर्गेनिक लिगांड्स होंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक लिगांड्स नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, इनऑर्गेनिक लिगांड्स के लिए डाय ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक लिगांड जो कि हमारा एक ही होगा इथाइलिन डायमाइन जो अमूमन कॉम्प्लेक्सेस में इस्तेमाल होगा, उसके लिए हम दो के लिए बिस, तीन लिगांड्स के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राकिस। अब इसके लिए आ जाए, यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बोनाइल है न्यूट्रल लिगांड में, कितने कार्बोनाइल के लिगांड्स हैं, चार, तो चार के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टेट्रा, उसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है। याद रखें न्यूट्रल लिगांड्स में सी ओ इज कॉल्ड कार्बोनाइल, और जो सी ओ होता है, अब देखो एक चीज़ याद रखना सर, ज़रा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया जितने भी नेगेटिव लिगांड्स हैं उनके चार्जेस भी याद रखिएगा। सिमिलरली न्यूट्रल लिगांड्स जो होते हैं वो कार्बोनाइल, अमोनिया यानी इसको अमाइन कहते हैं, और ये एक्वो है, इन तीनों पे चार्जेस जीरो होते हैं। तो टेट्रा कार्बोनाइल, कितने कार्बोनाइल है, चार। अब देखो यहाँ चार कार्बोनाइल के लिगांड्स हैं, लेकिन एक कार्बोनाइल के लिगांड पे कितना चार्ज होता है, जीरो, तो चार कार्बोनाइल के लिगांड पे कितना होगा, जीरो चार्ज। अब देखो इस, ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, एक कार्बोनाइल के लिगांड पर चार्ज जीरो है, तो चार कार्बोनाइल के लिगांड्स पे चार्ज भी जीरो होगा। तो मुझे बताओ इस निकल पे कितना चार्ज होना चाहिए, सही है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कंप्लीट चार्ज जीरो है, और एक कार्बोनाइल के लिगांड पे चार्ज जीरो होता है, तो चार कार्बोनाइल के लिगांड पे भी चार्ज जीरो होगा, अगर एक कार्बोनाइल के लिगांड पे चार्ज जीरो है तो चारों पे जीरो होगा। अब निकल पे कितना चार्ज होगा कि इस स्फीयर पे चार्ज जीरो आ जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ भी निकल पे भी जीरो होगा, बिकॉज जीरो प्लस जीरो कैन बी जीरो, ठीक है। हमें यही करना पड़ता है कि हमें लिगांड्स, चाहे वो नेगेटिव हो या न्यूट्रल लिगांड हो, उनके चार्जेस को, निकल के चार्जेस को एडअप करना पड़ता है ताकि स्फीयर का चार्ज वही आ जाए। स्फीयर पे जीरो चार्ज है, चार कार्बोनाइल के लिगांड्स पे जीरो चार्ज होगा, निकल पे कितना होगा चार्ज कि स्फीयर पे जीरो आ जाए, तो निकल पे भी जीरो चार्ज होगा। अब मैंने ये समझाया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उस पे न्यूट्रल चार्ज है या पॉजिटिव है, तो उस केस में सिर्फ आप मेटल का नाम लिखते हो और आयन लिख देते हो, तो हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। अब चाहो तो आप आयन लिखो ना लिखो, आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो टेट्रा कार्बोनाइल निकल, और लास्ट में लिख दोगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जीरो, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगांड, तो उसके लिए आप कार्बोनाइल, NH3 के लिए अमाइन, H2 के लिए एक्वो इस्तेमाल करते। अब इसकी बात करते, ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, इस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आपके पास कैटाइन नहीं है, क्योंकि कैटाइन हमेशा स्फीयर के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन इस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में एनायन है जो कि राइट हैंड साइड पर है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एनायन कौन सा है, क्लोरीन, एनायन हमारा क्लोरीन है, और क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1, आपको पता है क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। अगर क्लोरीन पे एनायन पे -1 चार्ज है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, +1। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे लिखा हुआ है NaCl लिखा हुआ है, अगर क्लोरीन पे -1 चार्ज है तो सोडियम पे +1 चार्ज होगा, दैट्स वाई दिस NaCl सॉल्ट इज कम्प्लीटली न्यूट्रल। तो इसी तरीके से आपके पास इस एनायन पे -1 चार्ज है तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1 चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर न्यूट्रल लिगांड भी है, नेगेटिव लिगांड भी है। ये जो न्यूट्रल लिगांड है NH3, न्यूट्रल लिगांड पे कितना चार्ज होता है, जीरो। एक न्यूट्रल लिगांड पर जीरो चार्ज होता है तो चार पे कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। NH3 एक पर जीरो है तो चार पर भी जीरो होगा। NH3 एक लिगांड पर जीरो है तो चार पे भी जीरो होगा। सिमिलरली क्लोरीन है, क्लोरीन हमारा नेगेटिव लिगांड होता है, एक पे कितना चार्ज होता है, -1, तो दो क्लोरीन लिगांड पे कितने चार्ज हो जाएंगे, -2। एक क्लोरीन लिगांड पर -1 चार्ज होता है, दो क्लोरीन लिगांड पर -2 चार्ज होता है। अब देखें लिगांड जो है उनको हम ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं कि यूनिडेंटेड लिगांड या मोनोडेंटेड लिगांड, और इसके अलावा पॉलीडेंटेड लिगांड, ठीक है। लिगांड्स की क्लासिफिकेशन और तरीके से भी की जा सकती है, लेकिन मैं वो टॉपिक आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा। मेरा मेन मकसद था आपको IUPAC नेमिंग पढ़वाना,
IUPAC नेमिंग पढ़ाना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। लेगांड्स को डिटेल में पढ़ाना मेरा मकसद नहीं था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, वरना फिर मैं आपको यूनिडेंटेड और साथ में पॉलीडेंटेड भी पढ़ा सकता था। तो Cl2 क्लोरीन इज अ नेगेटिव लेगांड, और कितने लेगांड्स हैं क्लोरीन के? दो, तो -2 चार्ज। NH3 इज अ न्यूट्रल लेगांड, सो इट हैज अ जीरो चार्ज। फोर NH3 विल हैव अ जीरो चार्ज। अब देखो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? +1। क्लोरीन पे कितना चार्ज है? -2। अमाइन पे कितना चार्ज है? 0। तो मुझे बताओ इस क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा कि इस पूरे स्फीयर पे +1 चार्ज आ जाए? क्लोरीन पे -2 चार्ज है, अमाइन पे 0 चार्ज है। मुझे बता दें क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा कि स्फीयर पे +1 चार्ज आ जाए? तो ऑब्वियसली क्रोमियम पे जो चार्ज होगा वो होगा आपका 3। कितना होगा? +3। ठीक है, खुद सोचें, देखें इस पूरे स्फीयर पर +1 चार्ज है, क्लोरीन लिगांड पर -2 चार्ज है, अमोनिया पर 0 है, अमाइन पर 0 है, क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा? ऑब्वियसली अगर क्रोमियम पे आप +3 चार्ज रखोगे तो +3 +0 -2 मिलके कितना बनाएंगे? +1। तो दैट्स वाई क्रोमियम हैज़ अ +3 चार्ज। अब इसकी नेमिंग करेंगे, क्योंकि इसमें कैटाइन तो है नहीं, तो कैटाइन का नाम पहले लिखा जाता है, कैटाइन तो नहीं है। कैटाइन के बाद नाम लिखा जाता है नेगेटिव लिगांड का, तो इसमें हम देखेंगे नेगेटिव लिगांड है, बिल्कुल है। कितने नेगेटिव लिगांड है? दो क्लोरीन है, डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो, क्लोरीन दो है तो डाई क्लोरो, ठीक है। इनऑर्गेनिक लिगांड के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस्तेमाल किया जाता है, तो दो क्लोरीन के लिगांड्स हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव लिगांड्स होते हैं, मैंने बताया था उसके लास्ट में ओ लगाते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयडो, कितने क्लोरो हैं? दो, डाई क्लोरो। अब नेगेटिव लिगांड के बाद हम नाम लिखेंगे न्यूट्रल लिगांड का, तो यहाँ देखो NH3 हमारा क्या है? अमाइन। NH3 क्या है हमारा? अमाइन। NH3 हमारा अमाइन है। अब आप देखोगे कितने न्यूट्रल लिगांड हैं, यहाँ दो न्यूट्रल लिगांड थे तो आपने डाई क्लोरो इस्तेमाल किया, अब कितने न्यूट्रल लिगांड हैं आपके? अमाइन आपका एक तरह का न्यूट्रल लिगांड है, और इस न्यूट्रल लिगांड के लिए आप अमाइन इस्तेमाल करते हो, तो कितने न्यूट्रल लिगांड है? 4। तो ये हो जाएगा टेट्रा अमाइन, सही है, डाइक्लोरो टेट्रा अमाइन, डाइक्लोरो टेट्रा मतलब 4। मैंने कहा ना इनऑर्गेनिक लिगांड्स के लिए आप 1, 2, 3, 4 के लिए डाई ट्राई पेंटा हेक्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए आप बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा के इस्तेमाल करेंगे। सही हो गया डाइक्लोरो टेट्रा अमाइन लिगांड्स का नाम हो गया। लिगांड्स का नाम लिखने के बाद हम नाम लिखते हैं सबसे पहले एनाइन कैटाइन का नाम, फिर नेगेटिव लिगांड का नाम, फिर न्यूट्रल लिगांड का नाम, उसके बाद का जो स्टेप होता है उसमें हम मेटल का नाम लिखते हैं, ट्रांजिशन मेटल का। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव है तो 8 लगा देंगे, फेरेट कोबोल्टेट। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव है तो सिंपल मेटल का नाम लिख देंगे। अब देखो नेगेटिव कैटाइन का नाम, नहीं कैटाइन तो नहीं है, नेगेटिव लिगांड का नाम, न्यूट्रल लिगांड का नाम, अब ट्रांजिशन मेटल का नाम, और ट्रांजिशन मेटल का नाम लिखते हुए हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को देखते हैं। अब जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर चार्ज क्या है? +1। यानी अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा न्यूट्रल था, न्यूट्रल के केस में हमने सिर्फ मेटल का सिंपल नाम लिख दिया, तो यहाँ भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब नेगेटिव होता है ना तो लास्ट में हम 8 लगाते हैं मेटल के साथ, ठीक है, जब मेटल का नाम लिखेंगे तो 8 लगाएंगे। अब यहाँ जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर चार्ज कितना है? पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल हम मेटल का नाम लिख देंगे, मेटल क्या है हमारा? क्रोमियम, तो मेटल का नाम लिख देंगे क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? 3। और याद रखें यहाँ पर मैंने निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी थी, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आप रोमन नंबर में लिखेंगे, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम के लिखेंगे रोमन नंबर में, तो डाइक्लोरो टेट्रामाइन क्रोमियम 3, डाइक्लोरो टेट्रामाइन क्रोमियम 3। अब देखें पहला क्या था? कैटाइन का नेम, फिर नेगेटिव लिगांड का नाम, फिर न्यूट्रल लिगांड का नाम, फिर ट्रांजिशन मेटल का नाम, और ट्रांजिशन मेटल का नाम डिपेंड करेगा कि स्फीयर पे क्या चार्ज है, स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है
या फिर न्यूट्रल चार्ज है तो आप सिंपल मेटल का नाम लिख दोगे, और मेटल का नाम लिखने के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे, और सबसे लास्ट में लिखा जाता है एनायन का नाम। तो इसमें एनायन भी है तो यहाँ आ जाएगा क्लोराइड, सही है। तो याद रखो एनायन के लिए क्लोराइड, ऑक्साइड, ब्रोमाइड, सल्फेट ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्लोरीन जो है इस वाले केस में, कि जो ये वाला जो क्लोरीन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और राइट हैंड साइड पर है, तो इट इज़ कंसीडर एज अ एनायन, और एनायन के लिए आपने क्लोराइड इस्तेमाल करना है। अब इसका नाम लिखते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या है, NO3 जो होता है ये कहलाता है नाइट्रेट, NO3 होता है जो नाइट्रेट, और नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है, माइनस वन। एक नाइट्रेट पे माइनस वन चार्ज होता है, एक नाइट्रेट आयन पे माइनस वन चार्ज होता है। तीन नाइट्रेट आयन पे कितने होंगे, यहाँ है एक नाइट्रेट आयन पे माइनस वन होता है, तीन नाइट्रेट आयन पे माइनस थ्री चार्ज होंगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, प्लस थ्री। और ये हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड पर है तो ये हमारा एनायन है। अब सबसे पहले इसमें नाम किसके लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें कैटायन तो है नहीं, तो कैटायन का नाम तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। फिर उसके बाद नेगेटिव लिगांड का नाम लिखते हैं, और नेगेटिव और न्यूट्रल लिगांड कहाँ होते हैं, स्फीयर के अंदर। अब इस स्फीयर में आपको दिख रहा है कि ईएन है, ईएन का मतलब क्या है, इथाइलिन डायमाइन, जो कि ऑर्गेनिक लिगांड है। तो इस स्फीयर के अंदर नेगेटिव लिगांड तो है नहीं, और एक सिर्फ ऑर्गेनिक इस स्फीयर के अंदर नेगेटिव लिगांड तो है नहीं, सिर्फ एक ऑर्गेनिक लिगांड मौजूद है। तो ईएन है, ईएन हमारा एक तरह का ऑर्गेनिक लिगांड होता है। कितने ऑर्गेनिक लिगांड हैं, तीन, बेस ट्रेस तीन के लिए इस्तेमाल होता है ट्रेस, तो ये होगा ट्रेस, तीन के लिए ट्रेस इस्तेमाल होता है। ईएन को हम क्या कहते हैं, इथाइलिन डायमाइन। तो कितने इथाइलिन डायमाइन के लिगांड हैं, तीन, तो ट्रेस इथाइलिन डायमाइन, ट्रेस इथाइलिन डायमाइन। पहले हम लिखते हैं कैटाइन का नाम, कैटाइन इसमें है ही नहीं, इस कॉम्प्लेक्स में कैटाइन नहीं है। फिर हम लिखते हैं नेगेटिव लिगांड का नाम, तो नेगेटिव लिगांड भी इस कॉम्प्लेक्स में नहीं है। फिर हम लिखते हैं न्यूट्रल लिगांड का नाम, न्यूट्रल लिगांड बिल्कुल है, लेकिन न्यूट्रल लिगांड के न्यूट्रल लिगांड कौन सा वाला है, ऑर्गेनिक। ई एन कहलाता है इथाइलिन डायमंड, कितने इथाइलिन डायमंड, ट्रिस इथाइलिन डायमंड, तीन इथाइलिन डायमंड। ये लिखने के बाद हम लिखते हैं मेटल का नाम। अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो सिंपल हम मेटल का नाम लिख देते हैं, कोबोल्ट, सिंपल मेटल का नाम लिख देंगे जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव या न्यूट्रल चार्ज होगा। नेगेटिव होगा तो मेटल के साथ एट लगाया जाएगा, फेरेट, कोबोल्टेट। सो ट्रेस इथाइलिन डायमाइन कोबोल्ट। फिर कोबोल्ट लिखने के बाद हम जो भी मेटल का नाम लिखेंगे, अगर हम नेगेटिव लिगांड्स में फेरेट कोबोल्टेट लिख रहे तो भी उसके साथ हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो सब मेटल का नाम लिखने के बाद हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है, प्लस थ्री। और ईएन जो होता है, ईएन हमारा एक तरह का ऑर्गेनिक लिगांड होता है, और इस ईएन ऑर्गेनिक लिगांड पे भी चार्ज जीरो होता है, याद रखना। ईएन इज ऑल्सो ऑर्गेनिक लिगांड, इट हैज ऑल्सो अ चार्ज ऑफ जीरो। सो एक ईएन ऑर्गेनिक लिगांड पे चार्ज जीरो, तो तीन पे कितना होगा, जीरो। अब बताओ कोबोल्ट पे कितना चार्ज होगा कि स्फीयर पे प्लस थ्री आ जाए, ऑब्वियसली कोबोल्ट पे प्लस थ्री चार्ज होगा, तभी इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस थ्री चार्ज आएगा। तो कोबोल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, थ्री। और याद रखें ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखिएगा। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, एनओ थ्री। एनओ थ्री क्या कहलाता है, नाइट्रेट। नाइट्रेटो क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये हमारा लिगांड नहीं है। नाइट्रेटो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारा लिगांड नहीं है, इट इज़ अ एनायन। इसकी बात करते हैं, अब इसमें ना ही कैटाइन है ना ही एनायन है, लेकिन इसमें स्फीयर है, और स्फीयर पे कितना चार्ज है, माइनस का टू, यानी स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है। जब स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होता है तो मेटल के साथ हम एट तो लगाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन रूल को फॉलो करेंगे, पहले कैटाइन का नाम, फिर नेगेटिव लिगांड का नाम, फिर न्यूट्रल लिगांड का नाम, फिर मेटल का नाम, और मेटल का नाम डिपेंड करेगा कि एट लगाना है फॉर नेगेटिव, फॉर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज, वी यूज सिंपल मेटल नेम एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, और लास्ट में एनायन का नाम। सो अब यहाँ पर तो हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ चीज़ दिख नहीं रही, तो इसका सिंपल मैं आपके लिए नाम लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। इसका नाम क्या बन जाएगा, छः है, तो छः के लिए हो जाएगा हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो, छः क्लोरीन के लिगांड्स हैं। क्लोरो क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन, ये जो क्लोरीन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और हमारा नेगेटिव लिगांड, तो डेट्स आई यूज क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। अब नेगेटिव है तो प्लाटिनियम के ऊपर नेगेटिव है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे,
अब देखो हेक्सा क्लोरो प्लैटिनमेट, ठीक है, अब देखो किताबों में आपको ये भी मिलेगा कि हेक्सा क्लोरो प्लैटिनम आयन, लेकिन हेक्सा क्लोरो प्लैटिनम आयन रूल के हिसाब से नहीं होगा, इसका नाम बनेगा हेक्सा क्लोरो प्लैटिनमेट, प्लैटिनमेट हो जाएगा, लास्ट में आपको ए लगा एट लगाना है, ठीक है। और दूसरा अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ये जो हमारा एक नेगेटिव लिगांड है इस पर चार्ज होता है माइनस वन, छः पे कितना होगा माइनस सिक्स, तो मुझे बताएं एक नेगेटिव लिगांड पर माइनस वन है, छः क्लोरीन के नेगेटिव लिगांड पे माइनस सिक्स है, तो बता दें प्लैटिनम पे कितना होगा, प्लैटिनम पे कितना चार्ज होगा ताकि इस स्फीयर पे माइनस टू आ जाए, ऑब्वियसली प्लैटिनम पे होगा प्लस फोर, सो ये हो जाएगा फोर, इसका नाम हम लिखते हैं NH4, NH4 हमारा यहाँ पर कैटाइन है और इस कैटाइन पे चार्ज कितना होता है प्लस वन, इस कैटाइन पे चार्ज प्लस वन होता है तो इस स्फीयर पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा माइनस वन, अमोनिया पे जीरो चार्ज होता है तो दो पे भी जीरो होगा, थायोसाइनो ये आपका है थायोसाइनो, मैंने बताया था SCN को कहते हो थायोसाइनो, थायोसाइनो जो होता है एक थायोसाइनो पे माइनस वन चार्ज होता है तो चार थायोसाइनो के लिगांड्स में माइनस फोर चार्ज होगा। अब इस स्फीयर पे, इस कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस वन चार्ज है और एक थायोसाइनो के लिगांड पे माइनस वन था तो चार्ज पे माइनस फोर हुआ, बताओ क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा कि स्फीयर पे माइनस वन आ जाए, सो ऑब्वियसली क्रोमियम पे तो चार्ज होगा वो प्लस थ्री होगा, तभी आप थ्री प्लस थ्री माइनस फोर प्लस जीरो करोगे तो स्फीयर पे माइनस वन आ जाएगा। अब इसका नाम लिखते हैं, कैटाइन का नाम सबसे पहले लिखेंगे अमोनियम, अमोनियम के बाद क्या लिखेंगे नेगेटिव लिगांड का नाम थायोसाइनो, ठीक है चार हैं, चार है तो चार के लिए होगा टेट्रा थायोसाइनो, अमोनियम अमोनियम टेट्रा थायोसाइनो, अमोनियम टेट्रा थायो अमोनियम टेट्रा थायोसाइनो, कितने अमाइन है डायमाइन, अमोनियम टेट्रा थायोसाइनो डायमाइन, और फिर हम इस्तेमाल नाम लिखेंगे क्रोमियम का। अब देखो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर चार्ज कितना है नेगेटिव, तो किताबों में ये भी लिखा हुआ है भाई, किताबों में अक्सर ये लिखा हुआ है जो आप फॉलो करोगे अमोनियम टेट्रा थायोसाइनो डायमाइन क्रोमियम, और क्रोमियम के साथ लिखी हुई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है थ्री, वरना आप क्रोमियम मिनट भी लिख सकते हो बिकॉज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के बायस आप मेटल के साथ एट लगाते हो क्रोमियम क्रोमियम मिनट, ठीक है, लेकिन किताबों में क्रोमियम लिखा हुआ है टेट्रा थायोसाइनो डायमाइन, फिर क्रोमियम के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, सो दैट इज, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सेस पढ़ने हो, कोई कॉम्प्लेक्सेस आपको समझ नहीं आया तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इंपॉर्टेंट हैं इस साल के लिए, वो आपको टारगेट पेपर में मिल जाएंगे और वो भी इंशाल्लाह कोशिश करके मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा जो टारगेट पेपर में और इंक्लूडेड होंगे, लेकिन ये जो आपके पास यहाँ लिखे हुए ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्सेस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।